नहीं बोल सकता। श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम जाओ, श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर, सर्वेश्वरी राधा रानी की आज्ञा मानकर सुख चले। और जब जा रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश पर्वत पे पहुंचे, कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? ध्यान से सुनो। अब शंकर भगवान हो रहे थे, शिव पुराण में शिव जी की बहुत विस्तार से कथाओं का वर्णन किया गया, बड़ी अद्भुत कथा है। शिव पुराण के महात्म्य प्रसंग आता है, महापापी चंचुला का पति बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर तर गया। अब देखो यहां पर दो चीजें देखो, भागवत में प्रेत तर गया और शिव पुराण में पिशाच, वो तर गया। इसका मतलब है कि अगर तुम जीते जी न सुन पाए और मरने के बाद भी तुम्हारे पितर, तुम्हारे बच्चे, वंशज तुम्हारी व्यवस्था कर दें पुराण सुनाने की, तो भी तुम तर सकते हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी पे बिलीव मत कीजिएगा। तो तुम ये मत सोचना कि मर के हम प्रेत बनेंगे तो हमारे बच्चे सुनवा देंगे। जिंदे ही सुन लो, अभी भी प्रेत से कम नहीं हो। सच्ची बता रहा हूं, जो भगवान को ना मान वो तो खींच रहे हो।